नंबर एट देखते हैं क्या करा कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज गिवन बाय। चलिए देखिए दिया है रूट थ्री साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू रूट थ्री। हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिवाइड बाय रूट अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी ये टू हो जाएगा इन बोथ साइड। तो यहां से लिख सकते हैं कॉस को पहले लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू वन बाई टू प्लस का साइन एक्स इंटू में रूट थ्री बाई टू इक्वल टू में रूट थ्री बाई टू, यानी ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस पाई बाई थ्री प्लस का साइन एक्स इंटू में साइन पाई बाई थ्री इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई थ्री का, और ये कॉस में वैल्यू हो जाएगा पाई बाई सिक्स का। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि एक्स माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स एन बिलोंग्स टू जेड, यानी आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन में ये कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है जी प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। अच्छा इसको इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ही होगा और यहाँ आ जाएगा आपका पाई बाई सिक्स एन बिलोंग्स टू जेड, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ही आएगा। चलिए तो यहाँ देखो तो ऑप्शन में आपका कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन में एक्चुअल में यहाँ पर हमने कॉस में कन्वर्ट करके दिया है और बुक में जो है ना आपके साइन में कन्वर्ट करके दिया है, ठीक है साइन में कन्वर्ट करके दिया है, तो आप साइन में भी बना सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हमारा ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है एक्चुअल में इसको सॉल्व करोगे तो ये बी में जो आंसर आ रहा है वही होगा, लेकिन अगर आप इसे देखो तो आप यहाँ से देखो साइन में कन्वर्ट करके देख लो। हम एक काम करते हैं इसे लिख देते हैं साइन एक्स इंटू में कॉस रूट थ्री बाई टू किसके लिए पाई बाई सिक्स के लिए, फिर प्लस कॉस एक्स और साइन साइन पाई बाई सिक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ फॉर्मूला जगह साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू में ये साइन पाई बाई थ्री का, तो यहाँ से एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू जेड, इसको उधर जाके माइनस का कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन पाई बाई थ्री माइनस का पाई बाई सिक्स एन बिलोंग्स टू जेड, तो इसके अनुसार आपका क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका बी नंबर सही आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन।